सब पे क्रीम लगा रही है, उस पे लगाओ कोई क्रीम। चलो चलो प्राची। अरे भाई साहब, अरे क्योंकि आज हम लोग मनाने वाले हैं पिकनिक। कुछ दिन पहले से ही प्लानिंग बन रहा था पिकनिक मनाने का, तो और छुट्टी में तो सबके सब घर गए हुए थे, तो अभी यूनिवर्सिटी खुल गई है और आज हम लोग का कोई क्लास नहीं है। आज हम लोग के डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट का ना मेजर का क्लास है और ना ही माइनर का क्लास है, तो आज के दिन हम लोग पिकनिक मनाने का प्लान बनाया है। तो अभी सबके सब आ गए हैं, बस कुछ सामान का बाकी था, इसीलिए मुस्कान और सुप्रिया मेरा स्कूटी लेके चली गई है वो सामान लाने के लिए। बाकी सब तो आ गई है और काम करना स्टार्ट कर दिए, तो अभी चलते हैं और पिकनिक मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। सारे के सारे अभी यहाँ पे हैं और आग जलाना स्टार्ट हो गया है। बहुत मेहनत कर रही है, क्यों रिया? प्याज व्याज कट हो गया? प्याज लहसुन मिर्च सारा कुछ कट हो गया है और उधर जल रहा है आग। और तुम क्या नाश्ता करने लग गई अभी से? चलो, बैटरी लो हो गया है। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है और वो रह गया स्कूल बिल्डिंग, वहीं पे हम लोग क्लास करते हैं। और इधर आ गए, बस कुछ ही दूर में है ये सनसेट पॉइंट, तो यहीं पे पिकनिक मनाने का प्लान बनाए। रिया अभी शान रही है सत्तू, क्यों शान रही है रिया? लिट्टी चोखा के लिए, क्योंकि अभी हम लोग मनाने वाले हैं लिट्टी चोखा का पिकनिक। वैसे तो नॉर्मली ऐसे पिकनिक जाते हैं तो क्या होता है कि चिकन बनाते हैं मटन बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो है अभी फ्रेंड सर्कल में मिलके लिट्टी चोखा का पिकनिक करने वाले हैं। क्यों? कुछ कुछ फ्रेंड वेजिटेरियन। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ फ्रेंड हम लोग के वेजिटेरियन है, जैसे कि ये हाँ, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिट्टी चोखा का पिकनिक मना रहे हैं। अरे भाई साहब, सत्तू में अभी सारा कुछ मिक्स हो गया है। क्या क्या मिक्स की? क्या क्या मिक्स की? प्याज मिर्च लहसुन धनिया पत्ता तेल अचार तेल हाँ सारा कुछ यहाँ पे मिक्स हो गया है। और तू भी क्या सत्तू ही सान रही है? नींबू का रस सारा कुछ मिक्स हो गया है, तो इसको अभी क्या करेगी रिया? इसको अब क्या करना है? ओ हाँ ना, इधर आटा भी पहले ही है वो गूंथा गया है, तो इसको केवल अब बनाना बाकी है। अरे हाँ, यहाँ तो लुई भी बन चुका है। अच्छा, इसके अंदर डालना है सत्तू। अजवाइन है? वाह प्राची, तू बनाई अजवाइन और मंगरेला है। ये सत्तू सान ली है, तो अभी टेस्ट करा रही है कैसा है। कैसा? हाँ जरूर खा के बता रहे हैं। नमक कम ज्यादा करेंगे। मस्त है। अच्छा सानी है रिया, अच्छा मिक्स की। सबको टेस्ट करा रही है अभी सत्तू। सही लगा ना? उधर से आ रही है मुस्कान और सुप्रिया, वो लोग दुकान चली गई थी, कुछ कुछ सामान नहीं था वो सब लाने के लिए। अभी आटा में डल रहा है सत्तू। एक तरफ उधर आटा में सत्तू डल रहा है और इधर रिया अभी चोखा बना रही है। चोखा बन रहा है? हाँ चोखा बन रहा है। मल रहे हैं? ओ मल रही है। अरे वहाँ देखो वो लोग ला रहे हैं, उन लोग लेके आ रही है लकड़ी वगैरह सब। रूही लोग गई हुई थी। स्मृति हैप्पी बर्थडे आप लोगों को भी गाइस, आज स्मृति का बर्थडे है, सभी कोई विश कीजिएगा इसको। कुछ कुछ बैगन तो पक गया था, बैगन और टमाटर, इसीलिए इसका चोखा बन गया है और कुछ कुछ अब भी बन रहा है। और यहाँ पे क्या है रिया? ओ लिट्टी बन गया। कहाँ दिखा? लिट्टी लिट्टी बन गया है, कुछ लिट्टी तो बन गया है। स्मृति साफ कर रही है इस सबको। और यहाँ पे कुछ लिट्टी अभी भी है, ये सब पक रहा है। क्या बोल रही है उसको स्मृति? क्या बोल रही है उसको? अच्छा समझा रही थी उनकी भाषा। अरे भाग यार, अरे वाह, वो उसको लग रहा था ना कुछ खिला रही है, देखो ना कुछ। अरे ये बैगन सब उठा के खिला दो, बैगन सब, बैगन सब खिला दो। खा रहा है और भी है बैगन, पहुंचा दूं?
अच्छा रुको, यहाँ पे खराब बैगन सब था, ये सब पहुँचा देते हैं गाय लोग को। चलो आज तेरा बर्थडे है, तुम पुण्य का काम करो। वाह देखो ना मुस्कान, लो मेरे हाथ से भी एक खा लो, मेरे हाथ से ना? उसको लगेगा और खिलाई। अरे अरे इधर अब बकरिया भी आ गई। भागो भागो भागो, भाग गई सारी बकरिया। अरे ना पक गया क्या? अरे लिट्टी जो निकाल रहा, कुछ कुछ बैगन है पक गया है। अभी सोमा लोग स्पीकर लेके आ गई है, डांस करेगी सोमा, सॉन्ग भी लगा लिया। वाह लिट्टी तो बन गया है, आटा का गोली जो था उसमें सत्तू डल गया है। ए आयुषी पिकनिक में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अजय मजा आ रहा है कि नहीं पिकनिक में? मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। सोमा पिकनिक में मजा आ रहा है कि नहीं? अरे भाई इसको तो बहुत ही मजा आ रहा है लग रहा है, सब बहुत ही खुश है। स्मृति पिकनिक कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। प्राची कैसा लग रहा है पिकनिक, मजा? और अभी सबको एक एक बलून मिल गया है क्योंकि अभी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। आज स्मृति का बर्थडे है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताई थी, तो उसका आज केक कट होने वाला है। और बस स्मृति का ही नहीं बल्कि तीन केक आया हुआ है, तीन जन का बर्थडे है। तो उन लोग का पहले ही बर्थडे वैसे तो था, लेकिन क्या है ना कि उन लोग का उस वक्त छुट्टी था, हम लोग तो बर्थडे नहीं मना पाए। तो तीन जन का हम लोग के क्लासमेट जो है, तीन फ्रेंड्स का आज बर्थडे एक ही साथ मनाएंगे हम लोग। तीन केक आया हुआ है तो अभी पहले स्मृति का बर्थडे मनाने वाले हैं, इसीलिए सबको मिल गया है बलून। उधर सब बलून भी फुलाने लग गई है, सबको एक एक बलून मिल गया है। इसको हम लोग बर्थडे के टाइम फोड़ेंगे जब वो केक कट करेगी तब। इधर अभी केक खुल रहा है स्मृति के लिए। क्यों मुस्कान, सही है ना? कैसा है केक? बहुत ही मस्त है यार, केक तो बहुत मस्त लगा। सब बलून फुला ली। अरे भाई सोमा का बलून चल गया है नीचे, अरे फट जाएगा, चप्पल पहन ले कांटा लग जाएगी। चलो बच गया, अभी तक फूटा नहीं वरना जाता तेरा बलून। हवा चल रहा है ना, इसी रीजन से जो है बलून सब उड़ रहा है नहीं अच्छे से पकड़ने से। किसका बलून उड़ गया? अरे भाई छोड़ दो। रिया तेरे पास दो दो बलून? वाह सब रिया भी फुला ली है बलून, सब फुला ली है बलून अपना अपना, जो सबको मिला हुआ था एक एक बलून। केक कट होगा कुछ ही देर में, उधर केक भी रेडी हो गया है। यहाँ है केक, नहीं चल रहा। हाँ उसी में धो, उसी में हुड़ देते हैं और फिर जला के डाल देंगे। जल नहीं रहा है यार। गल पूरा खुश है, डांस कर रही है। लग गई स्मृति का तो बर्थडे मना लिए और अब मनाएंगे प्राची का बर्थडे। लेकिन अभी प्राची को पता नहीं है कि उसका बर्थडे हम लोग मनाने वाले हैं, तो अभी प्राची का बर्थडे मनाने का तैयारी चल रहा है। प्राची को उधर ले जाया जा रहा है, उसको भी सरप्राइज देने का प्लान है। और बलून अभी फुलाया जा रहा है। क्यों रिया अभी बर्थडे प्राची का मनाने वाले है ना, तो प्रियांशु का तो थोड़ा बाद में, की एक ही बार में? एक ही बार। अच्छा एक ही बार में। चलो मुझे भी एक बलून मिल गया है। ओ सॉरी मैं तो स्मृति वाला बलून ही अभी तक नहीं ये की हूँ, यहाँ पे और भी बलून है। अभी स्मृति का केक कट हो गया है, तीन तीन केक आया हुआ है टोटल। उधर है और केक सब, सुप्रिया लोग खोल रही है, जाके देखते हैं कैसा है प्राची का केक। कुछ इस तरह से है प्राची का केक, बहुत ही प्यारा लग रहा है, हार्ट वाला शेप का है। ये केक है प्रियांशु का, अभी साथ में ही केक कट होने वाला है।
प्राची का भी और को बोल, उसको बोले का भी। अरे उसका तो स्माइली वाला है। हैप्पी बर्थडे टू यू, प्राची का बर्थडे पहले है क्या? लो प्रियांशु, इधर आ, लो भाई आग भी नहीं चल रहा। अरे भाई साहब वैसे मत करो, अरे अरे भाई साहब पिटाएगी तू, सोमा पिटाएगी, जला दिया। प्राची का और प्रियांशु का शकल जो है एकदम केक से पोत दिया गया है। अम्मी है? हाँ मैं भी हूँ भाई। सोमा सब पे क्रीम लगा रही है, उस पे लगाओ कोई क्रीम। चलो चलो प्राची, अरे भाई साहब इधर वाह क्या केक लगा रही है। आयुषी क्या कर रही है तुम? शैम्पू लगा रही है क्या? चाकू गिरा दिया। अरे अभी सोमा अर्पित के पीछे भाग गई है। अर्पित लगाया था, मूंछ बनाया था थोड़ा सा वो लगाया था, बाकी तो और भी लगाए थे, बट सोमा जो है उसको देख पाई तो उसी को दौड़ाने लग गई है। अर्पित को सकी अभी यह सब पे बदला ले रही है, अब आयुषी के पीछे पड़ रही है। आयुषी भी उसको केक लगाई थी थोड़ा सा। अच्छा हुआ केक अभी कट हो रहा है सबको देने के लिए प्लेट में। कौन सा? हमको स्मृति वाला चाहिए। स्मृति वाला नहीं है, बोल रहे थे। हाँ ठीक है, आना। रूही को इस चीज का डर है कि उस पे कोई केक ना लगा दे, इसीलिए वो दूर दूर ही भाग रही है। उसको मेरे से डर है। ओ उससे तुम मतलब तेरे से डर है उसको? इधर इधर अरे केक नहीं लगाएगा तुझको कोई। थैंक यू। हम लोग का तो अभी खाना पका ही नहीं है, लिट्टी अभी भी बन ही रहा है। और इधर बिन बुलाए मेहमान जैसे इन लोग आ गया है, इन लोग तो बिन बुलाए मेहमान नहीं है। इधर दो कुत्ता है और उधर दो कुत्ता है। अभी जो है आयुषी उन लोग को भगाई, इधर भी भगाओ भगा। अरे मत भगाओ वरना वो किसी और को लेके आ जाएगा, उन लोग का पूरा टीम आ जाएगा, ऐसे ही भगाएगी तो। भाग गया अभी, मेरा थोड़ा सा काम था इसीलिए अभी आ गया है स्कूल बिल्डिंग। इधर आयुषी और मैं आई हुई हूँ, आयुषी तो पहले ही आ गई ना, और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा वैसे ही यहाँ से निकलेंगे। बाकी सब तो वहाँ पिकनिक जहाँ मना रहे थे वही थे, लेकिन क्या है ना कि अभी अचानक से बारिश होने लग गई है, इधर खूब बारिश होने लग गई है, इसीलिए अभी जो है कॉल की थी मैं सोमा को, तो उन लोग सारी कोई चली गई है भूमि होटल, वो नजदीक होता है इसीलिए सारा सामान लेके उन लोग उधर चली गई। और जैसे ही यहाँ से बारिश, जैसे ही बारिश छूटेगी और जैसे ही मेरा काम कम्प्लीट होगा वैसे ही हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही बारिश छुटी वैसे ही हम लोग स्कूल बिल्डिंग से निकल गए थे भूमि होटल के लिए। अभी अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे सब के सब बैठी हुई है। भाई कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी प्रेरणा, मस्त लग रहा है, आखिर खुद बनाया हुआ है। अच्छा तो लगेगा ही। रिया तुम नहीं खा रही है? आ रहा है अभी, आधा बना हुआ है और आधा वहाँ पे बन ही रहा है, इसीलिए कोई कोई खा रही है। अब मैं भी खा लेती हूँ, जब आ ही गया है तो गर्मा गर्म लिट्टी चोखा, मस्त लग रहा है। लेकिन ये चाहिए दे दो, जब दे रही है तो। रिया का भी अभी आ गया है, वो घी डाल रहा है। तो ये कल पिघला लेगा तब ना तुमको तो। हाँ हो जाएगा, छोड़ो। थैंक यू। खा लिया और इधर प्राची लंग जा रही है, बाय। वहीं पे बस में चढ़ जाएगी ना, ठीक है जा।
और कोई कोई तो अभी होटल में ही है, इन लोग भी खा पी के जाएगी और मैं भी जाने का सोच रही हूँ क्योंकि अभी शाम हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश हुई ना तो मौसम अभी चेंज कर दिया है, तो घर जाते जाते फिर अंधेरा होने लग जाएगा, इसलिए जल्दी ही निकलने का सोच रहे हैं। इधर साइड भी खूब बारिश हुई है जैसा लग रहा है देख करके तो, और एकदम धुंधला धुंधला दिखने लग गया है, आगे वाला गाड़ी सब क्लियर नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा सा दूर वाला सब, और इधर रास्ता भी पूरा गीला हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।